हेलो गाइस, वेलकम टू टूअर क्लासेस। टूअर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल लेके आया हूँ। आज का डे है थर्सडे, नवंबर 22, 2018। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है द पोस्ट एंड द पर्सन, मतलब कहने का पद एंड द पर्सन मतलब व्यक्ति। ठीक है, पद और उस पर आसीन व्यक्ति के बारे में यहाँ बात की गई है। आइए थोड़ा एक लाइन पढ़ लेते हैं, फिर बताते हैं इस टॉपिक में कि क्या आपको पढ़ने को मिलेगा। सेफ गार्ड्स आर नीडेड, मतलब कहने का सुरक्षा की आवश्यकता है। टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, दैट की इंस्टीट्यूशंस लाइक इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जैसे संस्थान, आर हेडेड, इनकी अध्यक्षता की जाए बाय कैपेबल पीपल, मतलब समर्थ लोगों के द्वारा। ठीक है, कैपेबल पीपल का मतलब ऐसे लोग जो कि वास्तव में अध्यक्षता करने के गुण रखते हों, क्वालिटीज रखते हों, तो उन लोगों के द्वारा। ठीक है, तो मतलब कहने का कि इलेक्शन कमीशन जैसे संस्थानों की अध्यक्षता समर्थ लोगों के द्वारा की जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कुछ सेफ गार्ड्स आवश्यक हैं। सेफ गार्ड्स मतलब कहने का कुछ लॉ आवश्यक हैं, कुछ कानून आवश्यक हैं, जिसके द्वारा हम ये सुनिश्चित कर सकें कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन जैसे जितनी भी बॉडीज़ हैं उनकी अध्यक्षता कम से कम कुछ समर्थ व्यक्ति कर रहे हैं, मतलब वो क्वालिटीज़ रखते हैं उसको, उसकी लीडरशिप करने की, उसकी हेडिंग करने की, तभी उनको वहाँ पर बैठाया गया है। तो ये हम इस बात को सुनिश्चित कर सकें। तो पर्टिकुलरली जो टॉपिक है, पोस्ट के अनुसार पर्सन को अपॉइंट करना, ये सिंपल इस टॉपिक का मेन मकसद है, टारगेट है बताने का। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसमें बात की गई है निर्वाचन आयोग की स्थापना से लेकर के, और इस समय इसका पर्सपेक्टिव क्या है लोगों के बीच में, इतनी कितनी क्रेडिबिलिटी इस समय इलेक्शन कमीशन की बची हुई है वर्तमान में, कैसे कैसे अपनी क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है, इसने क्या बेस्ट परफॉर्मेंस भी कभी किया है, इसको इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में क्यों स्थापित किया गया है, क्या इसका मतलब कहने का इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में बने रहना इस समय मतलब कहने का बरकरार है या नहीं, क्या इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह वर्क कर पा रहा है कि नहीं, आखिर किस प्रकार से पॉलिटिशियंस इसको मतलब कहने का इम्पैक्ट करते हैं, अपना इम्पैक्ट जो है इस इलेक्शन कमीशन पर डालते हैं। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि सिंपली आप कह सकते हो सकता है पैसे के माध्यम से वोटर्स को खरीद कर, या फिर वहां पे जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्हीं को पैसा देकर के, बहुत सारे तरीके हैं, वो सारी चीजें यहां पर डिस्कस की गई हैं। ये टॉपिक जो है ये रश्मि शर्मा जी ने लिखा है, जो कि एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने पर आपको बहुत मजा आने वाला है, और फाइनली आपको एक एक चीज जो है जो आप रियलिटी में देखते हो कि आपको शंकाएं बनी रहती हैं, डाउट्स बने रहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में क्या इसके अंदर भी क्या गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति बना है क्या, तो जैसे कि ईवीएम मशीन की हैकिंग, इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ सुनने को मिल जाती हैं, तो इसके पीछे के जो रीजंस हैं, हो सकता है कि वो रीजंस आपको यहाँ पर दिख जाएं तो आपको समझ में आ जाए कि जो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या ये दावे जो अदर पार्टीज़ के हैं ये सच हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। ठीक है, तो टॉपिक को पढ़ते हैं और जानते हैं कुछ ग्रामर पॉइंट्स के साथ कि कैसा है ये इलेक्शन कमीशन आपका प्रेजेंट टाइम में, और पास्ट में ये कैसा था, इसने बेस्ट परफॉर्मेंस कब किया था, और इस समय इसका परफॉर्मेंस कैसे है। आइए स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एग्जामिनिंग अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जो संवैधानिक पीठ है ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ जो संविधान से रिलेटेड मुद्दों पर चर्चाएं करती है, उस पर डिसीजन देती है, तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इज एग्जामिनिंग, वो जांच कर रही है, वो पड़ताल कर रही है, वो सुनवाई कर रही है अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब कहने का जनहित याचिका पर, दैट कुड बी क्रिटिकल, जो कि महत्वपूर्ण हो सकती है फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र के लिए। मतलब पूरा मीनिंग क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है, जो कैसी जनहित याचिका, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, द PIL, ये जो जनहित याचिका है, अब कैसी याचिका इसके बारे में इन्होंने एडजेक्टिव क्लास डाला है कॉमा अलग से अलग करके, ठीक है, विच सीक्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सीक के कई मीनिंग होते हैं, विच ट्राई टू डू समथिंग भी होता है और डिमांड भी मतलब होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग आप यूज़ कर सकते हो। तो PIL जो जनहित याचिका है, विच सीक्स, जो मांग करती है दैट स्ट्रेंथनिंग, मजबूतीकरण ऑफ द इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ऑफ इंडिया, भारत के चुनाव आयोग के स्ट्रेंथनिंग यानी मजबूतीकरण की मांग करने वाले जो जनहित याचिका है, इंक्लूड्स, उसमें शामिल है अ प्रपोजल, एक प्रस्ताव, टू क्रिएट, निर्माण करने का एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, एक स्वतंत्र क्रियाविधि, टू अपॉइंट, ताकि नियुक्त किया जा सके द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त को, एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, और चुनाव आयुक्तों को,
हु आर जो कि हैं एट प्रेजेंट वर्तमान में सिंपली अपॉइंटेड आसानी से नियुक्त किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे। गवर्नमेंट ऑफ द डे मतलब वर्तमान सरकार के द्वारा, जो सत्ता में है सरकार उसके द्वारा, विदाउट एनी डिफाइंड क्राइटेरिया, बिना किसी निर्धारित मापदंड, क्राइटेरिया माने मापदंडों के और प्रोसेसेस या फिर प्रक्रियाओं के। ठीक है, तो पूरा मीनिंग पहले देखेंगे फिर मैं इसकी बीच में आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। जो जनहित याचिका है, जनहित याचिका कैसी, जिसकी मांग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मजबूत करना, ऐसी जनहित याचिका में एक प्रस्ताव शामिल किया गया है कि एक स्वतंत्र क्रियाविधि को अपनाया जाए जिससे कि इलेक्शन कमीशन, जो हमारे चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका उनको उनका अपॉइंटमेंट, साथ साथ जो इलेक्शन कमिश्नर हैं बाकी अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनका, मतलब कहने उनकी नियुक्ति हो सके। हाँ ठीक है ना, हु आर जो कि वर्तमान में कैसे होता है, वर्तमान में वर्तमान सरकार के द्वारा नियुक्त कर दिए जाते हैं बिना किसी निर्धारित मापदंड के। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में ये है कि अभी जो नियुक्ति होती है चुनाव आयोग के, जो मतलब कहने का चुनाव आयुक्त हैं वो, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो, इनकी नियुक्ति मतलब कहने का सरकार के द्वारा कर दी जाती है सिंपल तरीके से, है ना। तो मतलब कहने का इसके लिए एक निर्धारित मापदंड बनाए जाएं और साथ साथ एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म तैयार की जाए, मतलब कहने का स्वतंत्र क्रियाविधि जिस पे सरकार का कोई मतलब हस्तक्षेप ना हो। ठीक है ना, तो ये इस PIL की मांग है, जो जनहित याचिका जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है उसमें सिंपल यही मांग की गई है कि एक इंडिपेंडेंट जैसे बॉडी का हम निर्माण कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का, तो इसके लिए एक इसमें जो चीफ बैठ रहे हैं उसके लिए एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म भी तैयार की जाए, एक स्वतंत्र क्रियाविधि का निर्माण किया जाए जिसके आधार पर इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट किए जाएं। ठीक है, तो ये तो मीनिंग है पूरे का। अब आप जानेंगे PIL, अब ये आया है एडजेक्टिव क्लास जो कि PIL की विशेषता बता रहा है। विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, विच, दैट, एज, हुम, ये हु, ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इसके बाद आपका सीक्स वर्ब आया है, इसका एंटीसीडेंट PIL जो कि सिंगुलर है इसलिए यहां पे सीक्स आया है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव क्लास इसकी विशेषता बता रहा था। PIL के बाद आपका जो इसकी, ये तो सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब क्या है, ये तो एडजेक्टिव क्लास हुआ, इसकी वर्ब ये बैठी है इंक्लूड्स, PIL इंक्लूड्स, इस PIL में शामिल है। तो ये एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग जब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES लगा है ना, उसी तरह यहाँ पर भी लगेगा क्योंकि ये वर्ब भी PIL के लिए आई है। तो PIL में शामिल है ये प्रपोजल टू क्रिएट इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, बाकी आप जान ही गए यहाँ पर। ठीक है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे विदाउट एनी फर्दर डिफाइंड क्राइटेरिया और प्रोसेस। तो क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल क्राइटेरिया होता है। ठीक है, थ्री क्रिटिकल डिसीजंस, तीन महत्वपूर्ण निर्णय। अब कौन से निर्णय हैं उनके बारे में बात करते हैं, आइए जानते हैं। दैट, यह बात कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बिकेम अ रियलिटी इन इंडिया, चुनावी लोकतंत्र बिकेम, हो गया अ रियलिटी, एक सच्चाई इन इंडिया, मतलब भारत में चुनावी लोकतंत्र भारत में एक सच्चाई हो गया। चुनावी लोकतंत्र का मतलब ये समझ सकते हो आप कि चुनाव के समय लोकतंत्र दिखा दिखाई देना, और हकीकत में होता भी ऐसा ही है क्योंकि लीडर्स वगैरह क्या, जनता के सेवक होते हैं, है ना। तो ये ऐसा कब प्रतीत होता है, ऐसा तब समझ में आता है जब सब चुनाव आता है, उस समय लगता है कि हाँ ये जनता के जो लीडर्स हैं, ये सारे लीडर्स हाँ जनता की सेवा के लिए हैं, हमारी देखभाल करने के लिए हैं, हमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वीड आउट करने के लिए ये लीडर्स हैं। लेकिन इसके बाद जैसे चुनाव खत्म हो जाता है या फिर चुनाव अभी आने में बहुत समय होता है, उस समय लीडर्स की तानाशाही, इस तरह की सिस्टम्स दिखाई देते हैं। तो डेमोक्रेसी कब दिखाई जाती है, जनता का शासन कब दिखाई देता है, सिर्फ चुनाव के समय। तो यही कह रहे हैं कि यह बात कि चुनावी लोकतंत्र बिकेम अ रियलिटी इन इंडिया, भारत में एक सच्चाई बन गया है, एक वास्तविकता बन गया है, ओज अ ग्रेट डील। ओज अ ग्रेट डील का मतलब होता है, ओज माने ऋणी होना, अ ग्रेट डील काफी हद तक यह बात ऋणी है, टू द फॉरसाइट माने भविष्यवाणी का, सॉरी भविष्यवाणी नहीं, फॉरसाइट मतलब होता है दूरदर्शिता। ठीक है, दूरदर्शिता का, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कहने का संविधान सभा की। अब दूरदर्शिता का मतलब होता है कि पहले से चीजों जो घटित होने वाला है उसको आंक लेना। ठीक है, तो इस बात का यह बात जो है ये संविधान सभा की मतलब दूरदर्शिता की ऋणी होने का मतलब क्या, दूरदर्शिता ने इस बात का पहले से ध्यान रखा है ना। इनकी जो संविधान सभा है, अगर इसका कोई ऋणी है तो मतलब कहने का ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है पर्टिकुलरली उस टॉपिक पर पहले से ध्यान देती रही। जैसे कि आप अगर किसी व्यक्ति के ऋणी हो, मतलब कहने का वो व्यक्ति जो है उसकी कृपा आप पर बनी रही पहले से, मतलब उसने आपको पहले नोटिस किया तभी तो आप उसके ऋणी रहे ना, तो वही कहने का मतलब है यहाँ पर। तो बड़ा घुमा करके सेंटेंस को लिखा है लेकिन मीनिंग आप ऐसे निकाल सकते हो कि संविधान सभा की जो दूरदर्शिता है, पहले से चीज़ों को जान लेने की क्षमता, इस दूरदर्शिता ने काफ़ी हद तक इस लोक सब मतलब चुनावी लोकतंत्र को पहचान लिया था कि भारत में चुनावी लोकतंत्र स्थापित होगा, एक
निश्चित समय के बाद इस बात को कंस्टिट्यूटिव असेंबली ने क्या कर लिया था, इसकी फॉरसाइट ने, दूरदर्शिता ने पहले ही पता लगा लिया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं तो आपको और समझ में आएगा कि ये लाइन किस हिसाब से एक्सप्लेन की गई। हाउ एवर, फिर भी द असेंबली, जो मतलब कहने का विधान, ये संविधान सभा है, कुड नॉट हैव एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेट होता है पहले से अनुमान लगाना, ठीक है, कुड नॉट हैव एंटिसिपेटेड, उसने पता नहीं लगा पाई वो द एक्सटेंस, उस सीमा का, टू विच, जिस हद तक द वेरी पॉलिटिकल क्लास, वेरी माने होता है एक्चुअल पॉलिटिकल क्लास, वास्तविक राजनीतिक वर्ग, दैट फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने संविधान का निर्माण किया था, वुड लेटर, वो बाद में अटेम्प्ट, प्रयास करेगा टू सबवर्ट, सबवर्ट माने होता है अंडरमाइन कर, नज़रअंदाज करने का, महत्व को कम करने का, अपमान करने का, इट माने इसका, ठीक है, मतलब चुनावी, ये चुनावी लोकतंत्र स्थापित होगा भारत में, इस बात का पता तो किसने, मतलब संविधान सभा ने पहले ही लगा लिया था, लेकिन हमारी जो संविधान सभा थी वो इस बात का अनुमान लगाने में, मतलब उस सीमा तक सोचने में, उस सीमा तक हद अनुमान लगाने में असफल रही, टू विच, जिस हद तक आज का राजनीतिक वर्ग जो है, जिसने संविधान का एक समय निर्माण किया था, वुड लेटर, वही बाद में अब इसका क्या करने, सबवर्ट माने अपमान करने लगा, इसको अंडरमाइन करने लगा, नज़रअंदाज करने लगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, आप एंटिसिपेटेड द एक्सटेंट, जिस हद तक, वेरी जो आया है वर्ड, वेरी माने एडजेक्टिव है ये, ठीक है, वेरी एडवर्ब होता है, डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव की तरह में आया है, पॉलिटिकल क्लास, यहाँ पर क्या है, वेरी पॉलिटिकल क्लास, मतलब एक्चुअल जो वास्तविक राजनीतिक वर्ग है, ठीक है, उसकी बात ये कर रहे हैं, तो यहाँ पर वेरी माने बहुत का सेंस नहीं देगा, बहुत का सेंस कब देता है, जब एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, और एक्चुअल का सेंस कब देता है, जब ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यहाँ यूज हुआ है, इसलिए वेरी पॉलिटिकल क्लास, ठीक है ना, तो मतलब कहने का वास्तविक जो राजनीतिक वर्ग, दैट जिसने की फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने संविधान का निर्माण किया था, राजनीतिज्ञों ने मिलकर के संविधान का निर्माण किया था, है ना, आप शुरुआत में, लेकिन वो राजनीतिज्ञ ही अलग थे, है ना, तो कह रहा है कि वही राजनीतिक वर्ग जिसने की संविधान का निर्माण किया, वुड लेटर, लेटर माने बाद में, अटेम्प्ट, प्रयास करेंगे टू सबवर्ट इट, इसको, इसका अपमान करने का, है ना, इस बात को असेंबली पता नहीं लगा पाई, जो संविधान निर्माण करने वाली बॉडी थी वो इस बात का पता नहीं लगा पाई, इस बात तक सोच ही नहीं पाई एक तरह से, कि यही बाद में चल करके संविधान का अपमान करने लगेंगे। ठीक है, एज दिस पॉलिटिकल डायनेमिक अनफोल्डेड, जैसे ही दिस, यह राजनीतिक डायनेमिक माने होता है क्रियाशीलता, जैसे ही यह राजनीतिक क्रियाशीलता, अनफोल्डेड माने ओपेंड, फोल्ड माने होता है लपेटना, मोड़ देना, और अनफोल्ड माने ओपन करना, तो जैसे ही ये राजनीतिक क्रियाशीलता, इस प्रकार की, मतलब संविधान का अपमान करने वाली, मतलब कहने का क्रियाशीलता, अनफोल्डेड, सामने आई, खुली, एट सर्टेन क्रूशियल जंक्चर, तो कुछ महत्वपूर्ण जंक्चर्स माने स्टेजेस पर, स्टेज या पॉइंट कह सकते हो, एट जंक्चर मतलब एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, तो कह रहे हैं कुछ निर्धारित बिंदुओं पर, कुछ निर्धारित स्थितियों में, द जुडिशियरी एंड द लीडरशिप ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेव डेमोक्रेसी, उस जगह पर न्यायपालिका एंड द लीडरशिप ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और भारत के जो चुनाव आयोग हैं उसके नेतृत्व ने सेव द डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र का बचाव किया, इसको बचाया। ठीक है, तो जिस हद में, जिस सीमा पर यह राजनीतिक क्रियाशीलता सामने आई, किस प्रकार की क्रियाशीलता, संविधान का अपमान करने वाली क्रियाशीलता सामने आई, तो उस सीमा पर, उस स्टेज पर क्या किया, हमारी न्यायपालिका जो थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके नेतृत्व ने क्या किया, मतलब लोकतंत्र का बचाव किया, लोकतंत्र को बनाए रखा, है ना, हकीकत में भी यही होता है, जब पॉलिटिशियंस नहीं काम कर पाते तो फिर क्या, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है ना, और जब चुनाव सही ढंग से नहीं क्रिएट हो पाते तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डंडा चलता है, उस समय मतलब कहने का कुछ थोड़ा सा कड़ाई हो पाती है, क्योंकि ये जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, इन पर किसी भी पॉलिटिशियन का मतलब कहने का हस्तक्षेप नहीं होने वाला, तो इसी चीज़ को ये बताते जा रहे हैं, ये पास्ट से चल रहे हैं, जो रश्मि शर्मा जी हैं ये पास्ट से चल रही हैं कि कैसे कैसे बता रहे हैं, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब संविधान सभा डिबेटेड हाउ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस शुड बी इंश्योर्ड, जब संविधान सभा ने हमारी डिबेटेड, चर्चा की कि हाउ, कितना ज़्यादा फ्री एंड फेयर, साफ सुथरे इलेक्शंस माने चुनाव शुड बी इंश्योर, सुनिश्चित किए जाने चाहिए, है ना, जब कितने सारे मतलब कितने ज़्यादा साफ सुथरी मात्रा में चुनाव को आयोजित किया जाना चाहिए, जब इस मुद्दे पर संविधान सभा ने चर्चा की, तो थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तीन महत्वपूर्ण प्रश्न, एरोज, एराइज का सेकेंड फॉर्म है ना, एरोज, तीन महत्वपूर्ण प्रश्न उठ करके सामने आए,
कौन कौन से? द फर्स्ट वाज, पहला था वेदर कि क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन, साफ सुथरे जो चुनाव प्रक्रिया है, शुड बी मेड, वो की जा सकती है अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकारों का एक हिस्सा। मतलब कहने का पहला क्वेश्चन ये निकल के आया कि क्या साफ सुथरे चुनाव प्रक्रिया को मूलभूत हमारे जो मौलिक फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनका एक हिस्सा बनाया जा सकता है, और या फिर एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, एक स्वतंत्र संस्थान आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव, जो कि क्या हो, आउटसाइड मतलब बाहर हो, द एग्जीक्यूटिव माने होता है हमारी कार्यपालिका से, कार्यपालिका से बाहर एक स्वतंत्र संस्थान शुड बी इस्टेब्लिश्ड, इसको स्थापित किया जाना चाहिए, टू कंडक्ट मतलब आयोजित कराने के लिए द इलेक्शंस माने चुनावों को। तो दो बातें यहाँ पर इन्होंने रखी, पहला क्वेश्चन ये था कि साफ सुथरा चुनाव करवाने के लिए क्या एक फंडामेंटल मतलब साफ सुथरा चुनाव करवाने के लिए इन जो साफ सुथरे चुनाव की प्रक्रिया है इसको फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट बना दिया जाए, या फिर एक स्वतंत्र संस्थान जो कि हमारी कार्यपालिका से भी बाहर हो, इससे भी स्वतंत्र हो, ऐसे स्वतंत्र संस्थान का मतलब की स्थापना की जाए, ताकि जिससे इलेक्शन मतलब कहने का करवाया जा सके, कंडक्ट कराया जा सके, है ना। और जो असेंबली हमारी जो संविधान सभा थी ऑप्टेड फॉर, उसने चुनाव किया द लेटर, लेटर माने बाद वाली का, बाद वाली कौन सी है, स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन मतलब इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के निर्माण का, इस वाले ये वाला विकल्प इन्होंने चुना एंड क्रिएटेड द ईसीआई, और उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। तो पूरा मीनिंग ये निकला सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक का कि बात हुई, पहला क्वेश्चन जो निकल के आया था कि साफ सुथरा अगर हमें इलेक्शन कमीशन मतलब इलेक्शंस करवाने हैं तो क्या ऐसा ना किया जाए कि इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन करवाने की प्रक्रिया इसको मूलभूत अधिकारों के अंदर मौलिक अधिकारों के अंतर्गत डाल दिया जाए, और दूसरा विकल्प ये रखा गया और अगर मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं डालते हो तो ऐसा किया जाए कि इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का निर्माण कर दिया जाए जो कि हमारी कार्यपालिका से भी स्वतंत्र हो, है ना, तो इससे भी साफ सुथरे चुनाव हो जाएंगे। तो जो असेंबली थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसने क्या किया कि मतलब कहने का एक इंडिपेंडेंट बॉडी के निर्माण पर अपनी सहमति, और एट लास्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी कहलाया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विथ लीगल बैकअप, बैकअप वर्ड को आप जानेंगे, बैकअप माने होता है सपोर्ट, ठीक है ना, बैक माने भी सपोर्ट होता है, बैक माने पीछे भी होता है, और बैक संबड़ी मतलब कहने का सपोर्ट संबड़ी भी होता है, ठीक है। लीगल बैकअप माने संवैधानिक कानूनी रूप से सहयोग एंड द रिसोर्सेज और स्रोत टू डेवलप, विकसित करने के लिए एंड इन्फोर्स और लागू करने के लिए अ ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल सिस्टम, पारदर्शी चुनावी तंत्र का, ठीक है ना, पारदर्शी चुनावी तंत्र को विकसित और उसको लागू करने के लिए स्रोतों और वैधानिक सहयोग के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फ्री और फेयर इलेक्शन को एक सच्चाई, एक हकीकत में मेड कर दिया, तब्दील कर दिया। ठीक है, द सेकेंड क्रिटिकल डिसीजन, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, तो पहले निर्णय की बात हुई, दूसरा निर्णय क्या है, वाज वो था टू हैव अ सिंगल सेंट्रलाइज्ड बॉडी फॉर इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, कि टू हैव या फिर हैव की जगह टू मेक कर सकते हो, है ना, टू हैव अ सिंगल एकमात्र एंड सेंट्रलाइज्ड केंद्रीकृत बॉडी का निर्माण किया जाए या निर्माण होना फॉर इलेक्शंस चुनाव के लिए टू द लोकसभा, लोकसभा के चुनाव हो, एंड स्टेट लेजिस्लेचर और या फिर राज्य के विधानमंडल के चुनाव हो। ठीक है, तो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था वो यह था कि एक सिंगल एकमात्र और केंद्रीकृत बॉडी का निर्माण किया जाए या फिर केंद्रीकृत बॉडी स्थापित हो चुनाव करवाने के लिए, कहाँ कहाँ के, लोकसभा के भी और साथ साथ में राज्य के विधानमंडल के लिए, राज्य के विधानमंडल और लोकसभा के चुनाव के लिए एक सिंगल यूनिट का, एक सिंगल और सेंट्रलाइज्ड बॉडी को स्थापित किया जाए, ये दूसरा डिसीजन था। वन प्रपोजल वाज दैट, एक प्रस्ताव तो यह था दैट द ईसीआई बी कन्फर्म्ड, अब जैसे बी आ जाता है ना जब भी, तो बी आया तो इसका मतलब यहाँ पे शुड जो है मिसिंग है, सिर्फ बी आया है तो आप यहाँ पर शुड मिसिंग है समझोगे और यहाँ शुड भी पढ़ोगे। ठीक है, तो चाहे आप बी लिखो या शुड भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, द ईसीआई शुड बी कन्फाइंड टू फेडरल इलेक्शन, मतलब कहने का यह प्रस्ताव, एक प्रस्ताव तो यह आया था कि जो हमारा भारतीय चुनाव आयोग है इसको कन्फाइंड माने सीमित होना चाहिए टू फेडरल इलेक्शन, फेडरल माने होता है संघीय इलेक्शंस माने चुनावों तक, संघीय चुनाव मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनावों तक ही सीमित रहना चाहिए, एंड और सेपरेट इंस्टीट्यूशंस, अलग से कोई संस्थान, बी सेटअप, बी सेटअप माने शुड बी सेटअप, उसको स्थापित किया जाना चाहिए टू कंडक्ट, आयोजित कराने के लिए इलेक्शंस चुनाव टू स्टेट लेजिस्लेचर्स मतलब राज्य के विधानमंडल में। ठीक है ना, मतलब कहने का कि एक प्रस्ताव तो यह आया था कि इलेक्शन कमीशन को केवल संघ के चुनाव करवाने तक सीमित रहना चाहिए और एक अलग संस्थान का
इसकी स्थापना की जानी चाहिए अगर हमें चुनाव करवाना है राज्य विधानमंडलों में। तो सेटअप माने इस्टैब्लिश करना, ठीक है ना, स्थापित करना, तो ये सेटअप होता है। ओके, हाउ एवर, फिर भी विथ इंक्रीजिंग टेंशन, बढ़ते हुए तनाव के साथ, कैसा तनाव, अमॉन्ग कम्युनिटीज, समुदायों में बढ़ते हुए तनाव के साथ, जो असेंबली थी हमारी, कौन, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, संविधानिक सभा जो थी, फियर, उसे डर था पार्टीशन एक्शन। पार्टीशन एक्शन का मतलब होता है वन साइडेड एक्शन, एक पक्षीय कार्यवाही का डर था। मतलब उसे ऐसा लगा कि भाई ऐसा ना हो कि जो वहाँ पर हम स्टेट गवर्नमेंट में मतलब कोई बॉडी स्थापित कर दें तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो वर्तमान में सरकार है उसकी तरह काम करने लगे, या पर्टिकुलर एक ही के फेवर में आ जाए। तो वही कह रहे हैं कि असेंबली फियर्ड, असेंबली को क्या था, डर था पार्टीशन एक्शन, मैंने वन साइडेड एक्शन का इन द स्टेट्स, राज्यों में, एंड ऑप्टेड फॉर, और उसने चुनाव किया अ सिंगल नेशनल इंस्टीट्यूशन, एकमात्र राष्ट्रीय संस्थान का, द ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है ना। तो इन्होंने एकमात्र संस्थान, एक सिंगल बॉडी का ही निर्माण किया जिसका नाम था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसी को हर जगह चुना, ठीक है। तो यही पूरा मतलब है यहाँ पे। फिर भी जो बढ़ता हुआ टेंशन था समुदायों के बीच, तो समुदाय तो कई सारे हो गए ना, इसलिए अमोंग लगाए, ठीक है। तो कई सारे समुदायों के बीच में जो बढ़ता हुआ टेंशन था उसके साथ असेंबली को ये डर था कि भाई वन साइडेड एक्शन ना हो जाए, इसलिए उसने चुनाव किया कि एक नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं ECI, वही हर जगह के चुनाव करवाएगा। द इम्प्लीकेशंस फॉर दिस डिसीजन, और इस निर्णय की जो जटिलताएं थी, वेर कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, बहुत ही ज़्यादा जटिल थी, ठीक है। इसकी जो समस्याएं इस डिसीजन से पैदा हुई वो बहुत ही ज़्यादा जटिल हो गई, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। ऑन द वन हैंड, एक तरफ सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, जो केंद्रीय संस्थान थे, हैव जनरली बीन मोर रोबस्ट, अब वो हैव जनरली बीन मतलब हो चुके हैं क्या, हैव जनरली बीन मोर रोबस्ट, रोबस्ट माने होता है स्ट्रांग, और ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, दैन की अपेक्षा, स्टेट इंस्टीट्यूशंस मतलब राज्य के संस्थानों की अपेक्षा, जो केंद्रीय संस्थान है वो राज्य संस्थानों की अपेक्षा और ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, स्टेट इलेक्शन कमीशंस, जो राज्यों के चुनाव आयोग हैं, लैक ऑटोनॉमी, इनमें स्वायत्तता का अभाव है, लैक माने अभाव है, कमी है, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी को आप कह सकते हो फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ठीक है, इनमें स्वतंत्रता का अभाव है, आर शॉर्ट ऑन, और इनमें अभाव है मैन पावर का मतलब होता है कार्यबल का भी अभाव है, ठीक है, एंड फंड्स, और पैसे का भी अभाव है, एंड आर, और हैं फ्रिक्वेंटली, बार बार, सब्जेक्ट टू, मतलब कहने का ये विषय बनते हैं, टू अटेम्प्ट्स, प्रयासों का, बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकार के द्वारा, टू मैनिपुलेट, मैनिपुलेट माने होता है ताकि इन्हें नियंत्रित किया जाए, टू मैनिपुलेट इलेक्शंस, मतलब कहने का टू कंट्रोल इलेक्शंस, चुनाव को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है ना। मतलब पूरा मीनिंग क्या निकल के आया कि उदाहरण के लिए इन्होंने बताया है कि राज्य का चुनाव आयोग, इसमें स्वतंत्रता का अभाव है, इसमें मैन पावर का अभाव है, शॉर्ट ऑन मैन पावर, शॉर्ट ऑफ समथिंग भी होता है, शॉर्ट ऑन समथिंग भी होता है, शॉर्ट ऑफ या शॉर्ट ऑन का मतलब होता है लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का अभाव होना। तो इसमें स्वतंत्रता, स्वायत्तता या स्वतंत्रता का अभाव है, मैन कार्यबल का भी अभाव है, और फंड का भी अभाव है। उसके साथ साथ इनको बार बार जो है ऐसे प्रयासों का विषय बनाया जाता है, कैसे प्रयास, जो राज्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं, राज्य सरकार के द्वारा चुनाव को नियंत्रित करने, चुनाव को कंट्रोल करने के लिए या प्रभावित करने के जो प्रयास हैं, उन प्रयासों का विषय बनाया जाता है। मतलब बार बार इलेक्शन कमीशन पे दबाव पड़ता है पर्टिकुलर गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी राज्य सरकार होगी, है ना, वो दबाव डालेगी अपने हिसाब से चुनाव करवाने, अपने हिसाब से इलेक्शंस को कंट्रोल करने, इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करेगी। तो ये सब काम कहाँ होता है, इलेक्शन कमीशन, वो जो स्टेट वाले इलेक्शन कमीशन होते हैं वहाँ पर दिखने को मिलता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर माने ऑन दूसरी तरफ, अब देखिए ये चीज़ जो है PQRS में काम आती है, जैसे ऑन द वन हैंड आया, अब ऑन द अदर हैंड आ गया, एक सेंटेंस में ऑन द वन हैंड लिखा है, एक दूसरे सेंटेंस में ऑन द अदर हैंड लिखा है, तो ये चीज़ आपको काम आएगी कि वन हैंड वाला सेंटेंस पहले होगा और अदर हैंड वाला सेंटेंस बाद में होगा, है ना। तो ऑन द वन साइड, ऑन द अदर साइड, तो अदर साइड वाला बाद में होगा, वन साइड वाला पहले होगा। जैसे नाइदर नॉर आता है, ऑब्वियसली सी बात है, पहले नाइदर वाला सेंटेंस होगा फिर नॉर वाला होगा, है ना। नॉट ओनली बट आल्सो, तो पहले नॉट ओनली वाला फिर बट आल्सो वाला, इस तरह के सेंटेंस की अरेंजमेंट्स जो है आपको हेल्प करेगी ऐसी चीज़ों को अगर आप नोटिस करते रहेंगे तो। ऑन द वन, ऑन द अदर, दूसरी तरफ, दिस डिसीजन, यही निर्णय, कुड हैव लेड टू, ये हमें ले जाएगा टू एन ऑटोक्रेटिक माने तानाशाही इंस्टीट्यूशन, संस्थान की ओर, बींग इस्टैब्लिश्ड, जो कि स्थापित किया जा रहा है, एंड पॉसिबली, और संभावित रूप से मैनिपुलेटेड, कंट्रोल किया जा रहा है, बाय पावरफुल नेशनल एक्टर्स, मतलब कहने का शक्तिशाली राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, ठीक है। तो यही कहानी थी कि पहले जो
स्टेट इलेक्शन कमीशन होता तो उसमें स्वायत्तता वगैरह का अभाव होता, लेकिन अगर ये निर्णय आ जाता है तो ऑन द अदर हैंड दिस डिसीजन, इस निर्णय से क्या होता, इस निर्णय से एक तानाशाही शासन का मतलब संस्थान की स्थापना होती, जिसे कि स्थापित किया जा रहा है संभवतः, और उसमें संभावना क्या होती, वो कंट्रोल किया जा मतलब वो पॉसिबली मैनिपुलेटेड, जिसको कंट्रोल किससे किया जाता, बाय पावरफुल नेशनल एक्टर्स, शक्तिशाली नेताओं के द्वारा, अभिनेताओं के द्वारा कंट्रोल किया जाता, मतलब कहने का जिनको बैठाया जाता वो पावरफुल होते और उसको गवर्न करते, ठीक है, ये मतलब कहने का। यहाँ पर फिर राज्य सरकार और किसी सरकार का हस्तक्षेप नहीं चलता, ठीक है, बट लेकिन दिस पॉसिबिलिटी, ये संभावना वाज कंटेंड, कंटेंड माने सी प्रिवेंटेड, बिकॉज क्योंकि इलेक्शंस बिकेम सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ये तो न्यायिक समीक्षा का विषय बन गए, ऐसी संभावना क्या हो गई, कंटेंड माने सीमित हो गई, लिमिटेड हो गई, ठीक है ना, ऐसी संभावना क्या हो गई, लिमिटेड हो गई, बिकॉज क्योंकि इलेक्शन जो हैं, चुनाव जो थे वो क्या बिकेम हो गए सब्जेक्ट टू जुडिशियल व्यू, न्यायिक समीक्षा का विषय बन गया, मतलब उनकी न्यायिक समीक्षा की जाने लगी। असल में होता क्या, पूरी इंडिपेंडेंट बॉडी होती अगर इसी तरह से वर्क करती रहती तो ऑब्वियसली ये था कि फिर एक तरह से ऑटोक्रेटिक रूल होता इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का, है ना, और फिर वहाँ पर कोई गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ना होता, फिर उसी हिसाब से काम कर पाते, लेकिन हकीकत में क्या हुआ, यह संभवतः सीमित रह गया क्योंकि जो चुनाव थे वो न्यायिक समीक्षा का विषय बन गए। ओरिजिनली वास्तविक रूप से द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हैज़ प्रोवाइडेड, उसने उपलब्ध कराया है फॉर ट्रिब्यूनल्स, माने न्यायाधिकरण, न्यायिक क्षेत्र उपलब्ध कराए हैं, सेटअप जो कि स्थापित किए गए हैं बाय द ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, टू हियर, सुनवाई करने के लिए इलेक्शंस पिटीशन, चुनाव संबंधी याचिकाओं पर, ठीक है ना। वास्तव में जो हमारा संविधान है उसने उपलब्ध कराए थे कुछ ट्रिब्यूनल, न्यायिक क्षेत्र, न्यायिक अधिकरण उपलब्ध कराए थे जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किए गए थे, किस चीज़ के लिए, चुनाव से संबंधित किसी प्रकार की याचिका के लिए, है ना। बट लेकिन एक्रीव्ड पार्टीज, जो दुखद पार्टीज या कह सकते हो विक्टिम पार्टीज, जिसको चुनाव की प्रक्रिया में प्रॉब्लम हो तो उसे एग्रीव्ड पार्टी, तो एग्रीव पार्टी जो थी अप्रोच द कोर्ट, वो कोर्ट चली जाती थी, कोर्ट चली गई एंड द कोर्ट्स, और जो दरबार थे, कोर्ट्स, न्यायालय थे, डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया टू हियर इलेक्शन पिटीशंस, उन्होंने भी इलेक्शन पिटीशंस को की सुनवाई का निर्णय ले लिया, ठीक है। मतलब कहने का, संविधान ने तो ये अथॉरिटी दी थी कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और इलेक्शन से संबंधित किसी को भी कोई याचिका करनी है, कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर अपने ट्रिब्यूनल में अपनी प्रॉब्लम सुनवाए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जिस पार्टी को प्रॉब्लम होती तो वो ट्रिब्यूनल में जना जाके कहाँ गई, वो कोर्ट में चली जाती और फिर कोर्ट उसकी सुनवाई करने लगते थे, है ना, इलेक्शन पिटीशंस की, तो ये होने लगा। आगे पढ़ते हैं, देन तब द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो ECI था, उसने इटसेल्फ अपने आप में रिकमेंडेड, इस बात की सिफारिश की दैट इलेक्शन पिटीशंस बी, इलेक्शन पिटीशन शुड बी हर्ड, माने सुनवाई की जाए इनकी बाय जुडिशरी, न्यायपालिका के द्वारा, एंड इन 1966 और 1966 में द लॉ वाज चेंज, कानून को बदल दिया गया अकॉर्डिंगली, इसी प्रकार से। तो संविधान ने तो कुछ और तय किया था, लेकिन फिर जब यही कहानी होने लगी, बार बार कोर्ट के पास ही जाने लगे, तो इलेक्शन कमीशन ने खुद ही इस बात की सिफारिश दी कि जो चुनावी याचिकाएं हैं, शुड बी लिखा है ना, तो शुड बी पढ़ेंगे, शुड बी हियर्ड, इनकी सुनवाई की जानी चाहिए न्यायपालिका के द्वारा, और 1966 में इसी प्रकार से कानून को बदल भी दिया गया अकॉर्डिंगली, माने इसी प्रकार से, ठीक है ना। द थर्ड क्वेश्चन, जो तीसरा प्रश्न था, कंसर्न्ड माने संबंधित, तीसरा संबंधित प्रश्न था इसी विषय से रिलेटेड, इंश्योरिंग, वो था क्या, सुनिश्चित करना द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता को ऑफ ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का ये तीसरा प्रश्न था, एज द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब कहने का एज, क्योंकि जिस हिसाब से द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति का जो तरीका है, किस चीज़ की नियुक्ति, ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ, मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, और चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है उस पर नियुक्ति का प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया का जो तरीका है वो क्या है, वाज डिबेटेड, ये चर्चा का विषय था। शिवान लाल सक्सेना जी प्रिसियंटली होता है पूर्व ज्ञान के रूप से, मतलब कहने का पहले से जो चीज़ें भविष्य में होने वाली हैं उन चीज़ों को पहले से अनुभव करते हुए, तो प्रिसियंटली मैंने बड़ी ही सूझबूझ के साथ आर्ग्यूड, ये तर्क दिया दैट कि व्हाइल द देन प्राइम मिनिस्टर वाज ए मैन ऑफ इंडिपेंडेंस, कि द देन माने उस समय के, जिस समय ये सिबान लाल सक्सेना थे, इनको कहना था कि इस समय तो प्राइम मिनिस्टर जो है वाज ए मैन ऑफ इंडिपेंडेंस, वो स्वतंत्र आदमी है, मतलब मैन ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब कहने का उन्होंने पर्याप्त तो फ्रीडम दे रखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, अदर डिपार्टमेंट्स को, अब जो भी रहे हो प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे थे कि इस समय तो प्राइम मिनिस्टर ने पर्याप्त फ्रीडम दे रखी है, ये तो मैन ऑफ इंडिपेंडेंस है। लेकिन फिर दिस में नॉट ऑलवेज बी द केस, लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं हो सकता, हो सकता है प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करे,
मतलब कहने का इलेक्शन कमीशन के कुछ वर्क्स में इस समय तो हो सकता है इंडिपेंडेंट चल रहा है वर्क, लेकिन हो सकता है कि ऐसा केस हमेशा ना बना रहे, ऐसा सिब्बान लाल सक्सेना जी का कहना का है, सक्सेना जी का कहना है, ठीक है। एंड प्रपोज्ड, और इन्होंने फिर प्रस्ताव रखा रेटिफिकेशन माने पुष्टि का ऑफ CECs मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की पुष्टि का प्रस्ताव रखा बाय किसके द्वारा, लेजिस्लेचर माने विधानमंडल के द्वारा। तो इलेक्शन कमीशन जैसे कि विधान लेजिस्लेचर कंप्लीटली क्या हो गया, जो लेजिस्लेट्स मतलब कहने का जो कानून बनाता है ना, लेजिस्लेटिव्स का कलेक्शन वो लेजिस्लेचर हो गया आपका, विधानमंडल कह दीजिए चाहे संसद कह दीजिए, ठीक है ना। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सिब्बान लाल सक्सेना जो थे इन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ ये तर्क दिया कि इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वो तो मैन ऑफ इंडिपेंडेंस हैं, लेकिन हो सकता है कि ये केस हमेशा ना रहे। और फिर उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि CEC की जो भी अपॉइंटमेंट की जाए मतलब कहने का उसकी पुष्टि करवा ली जाए बाय द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के द्वारा, ठीक है। बट लेकिन द असेंबली जो हमारी संविधान सभा थी उसने क्या किया, डिसएग्रीड, वो असहमत हुई एंड प्रोवाइडेड, और उसने प्रोवाइडेड सिंपली, और उसने साधारण रूप से क्या उपलब्ध कराया द CEC's चीफ इलेक्शन कमीशन को कि टू बी अपॉइंटेड, कि इसकी नियुक्ति की जाएगी बाय द प्रेजिडेंट माने प्रेजिडेंट के द्वारा, लीविंग इट और छोड़ दिया इट टू द लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर पर छोड़ दिया टू इनैक्ट कि वो निर्माण करे अ सुइटेबल लॉ, एक उचित कानून का, विच नेवर हैपेंड, जो कि कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। मतलब कहने का कि जब ऐसी बात सिब्बान लाल सक्सेना जी ने रखी कि भाई इनकी जो नियुक्ति है इसको पुष्टि करवा लिया जाए, जैसे भी नियुक्ति होगी तो इसकी पुष्टि करवा ली जाएगी, तो फिर पता लग जाएगा कि क्या इंडिपेंडेंट है बॉडी की नहीं है, ठीक है। लेकिन संविधान सभा जी थी वो इस बात पर असहमत थी और उसने फाइनली ये कह दिया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा कर दी जाएगी, और फिर ये कह दिया कि लेजिस्लेचर पर हम छोड़ देते हैं कि आप एक सुइटेबल कानून का निर्माण कर दो इसके लिए। लेकिन हकीकत में हुआ क्या, इस निर्माण विच नेवर हैपेंड, जो काम कभी हुआ ही नहीं, ऐसे लॉ का कभी निर्माण ही नहीं हुआ जो उचित हो, ठीक है ना। ऐसे छोड़ने के बाद आगे पढ़ते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड प्रोवाइड, मतलब संविधान सभा जो थी डिड प्रोवाइड, उसने तो उपलब्ध करा दिया दैट की, मतलब डिड प्रोवाइड द माने यद्यपि होता है, ठीक है। तो ये बीच में डाल दिया इन्होंने, इसको आगे पढ़ लीजिए, यद्यपि जो संविधान सभा थी उसने तो प्रोवाइड दैट, उसने ये बता दिया, ये स्पष्ट कर दिया दैट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कुड ऑनली बी रिमूव्ड, इनको केवल हटाया जा सकता है थ्रू किसके द्वारा, इम्पीचमेंट माने महाभियोग के द्वारा। यद्यपि यह बात तो चुनाव मतलब कहने का संविधान सभा ने स्पष्ट कर दी थी, तो डिड प्रोवाइड जैसे ले जाता है ना, तो डिड प्रोवाइड का मतलब कहने का जोर देने के लिए थोड़ा सा आता है, मतलब जैसे हम तो शब्द मैं जोड़ूंगा अगर यहाँ पर, तो थोड़ा जोर देने का काम करेगा, जैसे कि यद्यपि विधानसभा ने तो यह बात स्पष्ट कर दी थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इसको हटाया जा सकता है केवल किसके द्वारा, इम्पीचमेंट महाभियोग के द्वारा फॉर द इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयुक्त तो थे उनके लिए क्या था, जो अन्य थे नीचे से थोड़ा सबॉर्डिनेट जो होते हैं वो, इवन दिस सेफ गार्ड, ये सुरक्षा जो थी वाज नॉट प्रोवाइडेड, ये भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी, विच इज़ आल्सो ए सब्जेक्ट, जो कि अभी भी एक विषय बना हुआ है ऑफ एबव मेंशनड PIL, उपरोक्त जो PIL है उसका, जो अभी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की मतलब कहने का बात हो रही थी जनहित याचिका की, उसका एक विषय बना हुआ है। मतलब कहने का ECEC को हटाने के लिए तो इन्होंने कह दिया कि इम्पीचमेंट प्रोसेस लगेगा, लेकिन ECEs के लिए अभी भी ऐसा कोई सेफ गार्ड नहीं निर्धारित किया गया था, ठीक है ना। अ मेजर शॉर्ट कमिंग, एक बहुत बड़ी चीज का अभाव, अब कौन सी चीज का अभाव है वो आप देखिए यहां पर, द हिस्ट्री ऑफ इलेक्शंस, चुनावों का इतिहास शोज ये दिखाता है, ठीक है। तो अब देखिए शोज आया ना, इलेक्शंस शोज नो, हिस्ट्री शोज, इतिहास दिखाता है, कैस किसका इतिहास, चुनावों का इतिहास, हिस्ट्री सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट टाइप में है ये तो, और यहाँ पर वर्ड आया है जो, तो सिंगुलर के ट्रीट किया है इसलिए आपका शोज लगा है। तो हिस्ट्री ऑफ इलेक्शंस, चुनावों को जो बीता समय है, इतिहास है, ये दिखाता है दैट की दिस रिमेन्स अ मेजर शॉर्टकमिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह भारत के जो चुनाव आयोग है उसकी सबसे बड़ी खामी थी, कमी थी। फ्रॉम 1967 टू 1991, 1967 से लेकर 1991 तक, तो फ्रॉम ए टू बी, तो फ्रॉम ए के बाद टू बी, ये दोनों नाउन जैसे बैठे हैं यहाँ पर, तो प्रीपोजिशन टू लग रहा है यहाँ पर, है ना, बिटवीन ए एंड बी, फ्रॉम ए टू बी, ओके। तो 1967 से 1991 के बीच में द इलेक्शन प्रोसेस डिटोरिएटेड, डिटोरिएट होता है नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, है ना, ख़त्म हो जाना। तो कह रहे हैं इलेक्शन जो प्रक्रिया थी वो क्या है, नष्ट होती गई, एज क्योंकि द कांग्रेस लॉस्ट इट्स डोमिनेंस, जो कांग्रेस थी उसने खो दिया इट्स डोमिनेंस, अपना बहुमत या कह सकते हो अपना प्रभुत्व, अपना जमावड़ा जो है खो दिया,
पॉलिटिकल कंपटीशन इंटेंसिफाइड, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। तो कंपटीशन की स्पेलिंग याद रखेंगे, PITI करके कन्फ्यूज़ कर देता है, तो PETITION होता है, ठीक है, कंपटीशन की स्पेलिंग याद रखेंगे। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई एंड पॉलिटिकल एक्टर्स, और जो राजनीतिक अभिनेता थे, राजनीतिक नेता की बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल एक्टर्स स्टेप्ड अप। स्टेप अप का मतलब क्या होता है, बढ़ा दिया, वायलेंस माने हिंसा। जो राजनीतिक नेता थे उन्होंने हिंसा बढ़ा दी, एंड इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस, और चुनावी प्रक्रियाओं में गड़बड़ी, मैल प्रैक्टिस, चुनाव में धांधली को भी बढ़ा दिया, ठीक है ना। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुड नॉट अरेस्ट दिस डिटोरिएशन, और इस डिटोरिएशन, इस गड़बड़ी को अरेस्ट नहीं कर सका, रोक नहीं सका, कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अरेस्ट का मतलब सिर्फ गिरफ्तार करना नहीं होता, अरेस्ट का मतलब होता है प्रिवेंट करना भी होता है, ठीक है ना। तो मीनिंग क्या निकल के आया, 1967 से 91 में इलेक्शन प्रक्रिया जो थी वो बिगड़ती गई, और जैसे जैसे चुनाव, मतलब कि कांग्रेस ने अपना डोमिनेंस, अपना प्रभुत्व खोया, और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती गई, और राजनीतिक जो नेता थे उन्होंने हिंसा का सहारा लिया, हिंसा बढ़ा दी, और चुनावी गतिविधियों में गलत तरीके भी अपनाना शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इस प्रकार की बिगड़ती स्थिति को अरेस्ट नहीं कर सका, रोक नहीं सका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स मेड लार्ज स्केल ट्रांसफर्स ऑन द ईवे ऑफ इलेक्शंस, मतलब कहने का कई राज्य सरकारों ने मेड किए लार्ज स्केल, व्यापक स्तर पर ट्रांसफर्स माने स्थानांतरण, ऑन द ईवे ऑफ इलेक्शन, चुनाव की संध्या पर, चुनावी संध्या पर, जैसे ऑन द ईवे ऑफ समथिंग मतलब होता है बिफोर द इवनिंग, मतलब कहने का पर्टिकुलर डे के पहले, जैसे कि अगर हम कहें कि ऑन द ईवे ऑफ 15 अगस्त, मतलब हो जाएगा 14 अगस्त की इवनिंग, ठीक है ना। तो ऑन द ईवे ऑफ समथिंग, तो उसके पहले वाले दिन की इवनिंग को ऑन द ईवे ऑफ कहते हैं, ठीक है। तो कहना चाह रहे हैं ये कि कई सारे जो राज्य सरकारें थी उन्होंने व्यापक स्तर पर हस्तांतरण किए पूर्व संध्या पर चुनाव की, जैसे आज चुनाव होने हैं तो कल की शाम, है ना, हस्तांतरण किसके किए, पैसे का हस्तांतरण किया, एंड पोस्टेड, और पोस्टेड माने स्थापित किया, प्लाइएबल माने होता है फ्लेक्सिबल या इम्प्रेशनेबल, ऐसा प्लाइएबल ऑफिशियल मतलब ऐसे ऑफिसर्स जो कि आसानी से प्रभावित हो जाए, जिनको आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सके या फिर उनको कंट्रोल किया जा सके, तो ऐसे प्लाइएबल ऑफिशियल्स को पोस्टेड, पोस्ट किया इनकी पोजीशंस मुख्य स्थानों पर, जो मुख्य मुख्य अच्छे अच्छे पद थे वहाँ पर बहुत ही प्लाइएबल, बहुत ही इम्प्रेशनेबल ऑफिशियल्स को पोस्ट किया, और चुनाव की पूर्व संध्या पे बड़ा बड़ा ट्रांसफर, लार्ज व्यापक स्तर पर पैसे का ट्रांसफर किया कई राज्य सरकारों ने, है ना। और इन की पोजीशंस पे जो ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया था तो वो कैसे थे, हु समटाइम्स, जो कि कभी कभी फ्लॉटेड माने उल्लंघन कर देते थे द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज ऑर्डर, भारत के निर्वाचन आयोग के आदेश का भी उल्लंघन कर देते थे, ऐसे मतलब कहने का प्लायबल ऑफिशियल्स को की पोजीशन मुख्य स्थितियों में मतलब कहने का इन्होंने अपॉइंट किया। तो आप समझ सकते हो कि किस हिसाब से धोखाधड़ी इलेक्शन में होती रही, ठीक है ना। दिस डिटोरिएशन, इस प्रकार की गड़बड़ी कुड हैव कंटिन्यूड, ये जारी रही, इंस्टीड इसके स्थान पर ड्यूरिंग द 1996 जनरल इलेक्शन, 1996 के आम चुनाव के दौरान द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्टोर्ड द क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, उसने क्या किया, रिस्टोर, फिर से वापसी लाई, क्रेडिबिलिटी माने विश्वसनीयता में ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, माने चुनावी प्रक्रिया के। इसके स्थान पर अब हुआ क्या, 1996 के जनरल चुनाव में, मतलब आम चुनाव में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो था उसने इलेक्शन प्रक्रिया में फिर से विश्वसनीयता लाई, कैसे लाई, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, क्या नाम था इनका, टी एन शेषन जी, री इंटरप्रिटेटेड द ECI's रोल एंड पावर, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल, उनकी भूमिका और शक्ति दोनों को ही री इंटरप्रेट का मतलब होता है फिर से एक्सप्लेन करना, मतलब फिर से दोहराया, सिंपल कहने का उसकी रोल और पावर क्या है इस बात को उन्होंने फिर से जता दिया, एंड प्रोवाइडेड कॉम, और उन्होंने उपलब्ध कराया, कॉम्बेटिव माने होता है लड़ाकू, फोर्सफुल माने होता है जबरदस्त, जोरदार, लीडरशिप माने नेतृत्व, और उन्होंने जोरदार लड़ाकू ढंग का और जोरदार नेतृत्व क्या है उपलब्ध कराया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, भारतीय निर्वाचन आयोग को एक अच्छा लीडर मिला जो कि लड़ाकू भी था और जोरदार तरीके से अपनी बात को रखने वाला, जोरदार तरीके से नियमों को लागू करने वाला था। ही पब्लिकली रिप्रीमांडेड पॉलिटिशियंस, उन्होंने क्या किया, ये टी एन शेषन जी की बात कर रहे हैं, ये एक चुनाव आयोग के एक अच्छे खासे अध्यक्ष रहे, जिन्होंने क्या किया, ही पब्लिकली रिप्रीमांडेड, उन्होंने पब्लिकली खुले तौर पर रिप्रीमांडेड माने फटकार लगाई पॉलिटिशियंस, नेताओं को, फॉर वियोलेटिंग, किस लिए, फॉर वियोलेटिंग माने उल्लंघन करने के लिए द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार कोड ऑफ कंडक्ट को कहते हैं
आचार संहिता, आचार संहिता के उल्लंघन के लिए राजनीतिज्ञों को खुले तौर पर उन्होंने फटकार लगाई। तो आप देखेंगे फॉर डूइंग समथिंग, फॉर कोई भी प्रीपोजिशन तो वर्ब की एनजी फॉर्म आती है, बस इन्फिनेटिव को छोड़ के। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है इन्फिनेटिव में, बाकी फॉर के बाद अगर वर्ब ले रहे हो तो वर्ब की एनजी फॉर्म ही आएगी, ठीक है, या फिर कोई नाउन वगैरह आप बैठा सकते हो। तो फॉर वियोलेटिंग मतलब उल्लंघन करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का, ठीक है। पोस्टपोन्ड और क्या किया इन्होंने, पोस्टपोन्ड कर दिया, टाल दिया, कैंसिल्ड और क्या फिर कैंसिल कर दिया इलेक्शंस, चुनाव, चुनावों को, इफ यदि देयर क्रेडिबिलिटी वाज कॉम्प्रोमाइज, अगर उनकी विश्वसनीयता से समझौता किया जाता है। थोड़ी भी शंका होती थी चुनाव में कि उसकी विश्वसनीयता बरकरार नहीं है यानी कि उसमें थोड़ा गड़बड़ी है, तो उनको कैंसिल कर देते थे या फिर टाल देते थे। इंटेंसीफाइड सुपरविजन, उन्होंने सुपरविजन होता है चौकसी, निगरानी, ठीक है, तो उन्होंने चौकसी बढ़ा दी, निगरानी बढ़ा दी ऑफ इलेक्शंस चुनावों की। एंड इंसिस्टेड और जोर दिया ऑन एक्शंस माने कार्यवाही पर अगेंस्ट, किसके खिलाफ, इरेंट ऑफिशियल, जो लापरवाह अधिकारी हैं। इरेंट माने होता है जो गलत काम करने वाले, जो गलत अधिकारी हैं या लापरवाही अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही पर भी क्या कर दिया, जोर दिया। तो आप यहाँ कुछ देखेंगे, ध्यान देंगे, पब्लिकली रिप्रीमांडेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कोड ऑफ कंडक्ट, पोस्टपोन्ड और कैंसिल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर उसके बाद कॉमा से इंटेंसिफाइड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड इंसिस्टेड और फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये होता है पैरेलल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बार बार एक ही सब्जेक्ट को कॉमन करके ये हर बार इसके लिए नई नई वर्ब डाल रहे हैं, तो कैसे पढ़ेंगे। उन्होंने पब्लिकली पॉलिटिशियंस को फटकारा, किस लिए, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने के लिए, आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए। इन्होंने ही पोस्टपोन किए और कैंसिल किए चुनावों को, कहाँ कहाँ पर, जहाँ पर क्रेडिबिलिटी जो है कंप्रोमाइज़ की जा रही थी वहाँ पर। इन्होंने ही बढ़ा दिया निगरानी को भी चुनावों पर, चुनाव में निगरानी भी बढ़ा दी, और इन्होंने ही जोर दिया था किस पर, उनका कार्यवाही करने पर भी जोर दिया जो कि गलत अधिकारी थे उनके खिलाफ, ठीक है ना। तो ये मीनिंग हुआ, तो देयर क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी नाउन है यहाँ पर, ठीक है। इसके पहले आपको ये देयर दे देगा और उसमें दो तीन ऑप्शन दे देगा, टी एच ई आई आर, टी एच आई ई आर, टी एच ई आर ई, इस तरह करके, है ना, और देम दे देगा एक जगह, तो आपको सही ऑप्शन भरना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन 10+2 के पेपर में इस बार बहुत देखने को मिले। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्रेडिबिलिटी नाउन है, तो यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव ही तो आ सकता है, तो टी एच ई आर ई तो वो अपने में ही एक प्रोनाउन होता है, ठीक है। प्रोनाउन कैसे भर दोगे यहाँ पे, यहाँ पर एक एडजेक्टिव ही भरोगे, और ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो देयर, तो आप क्या करोगे, देयर यहाँ पर चूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह आपको करेक्टली चूज करना है यहाँ पर। बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स, संवैधानिक सुरक्षा के कारण ही कुड नॉट बी रिमूव, इनको हटाया भी नहीं जा सकता था। सबसे अच्छी बात तो ये थी, इन्होंने इतने अच्छे कार्य किए और इनको कोई भी हटा देता, लेकिन इंडिपेंडेंट बॉडी थी और संविधान ने हमारे सुरक्षा दे रखी थी इनको, है ना, इसलिए ही कुड नॉट बी रिमूव, इनको हटाया भी नहीं जा सकता था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, बट लेकिन द ई सी आई गॉट द राइट लीडरशिप, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था उसने प्राप्त किया राइट लीडरशिप, सही नेतृत्व, एक्सीडेंटली। अब एक्सीडेंटली को क्या पढ़ोगे, दुर्घटनापूर्ण ढंग से, नो, अगर एक्सीडेंटली को दुर्घटनापूर्ण ढंग से पढ़ लिया तो वहीं पर गलत हो गया, ठीक है, आपका कंप्रिहेंशन जीरो हो गया वहां पर। एक्सीडेंटली मतलब संयोगवश, ठीक है। तो एक्सीडेंट, अब आप शब्द के पीछे अगर हर बार भागोगे तो फिर कभी ट्रांसलेशन नहीं आएगा, ट्रांसलेशन का कभी हिंदी नहीं आएगा, आपको क्या थोड़ा सा व्यवहारिक बनना पड़ेगा। तो टू द पॉइंट, हर जगह वर्ड के पीछे नहीं भागते, एक्सीडेंटली मतलब संयोगवश, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो सही नेतृत्व पाया था वो संयोगवश पाया था, ठीक है, नॉट बाय डिजाइन, डिजाइन से नहीं पाया। डिजाइन का मतलब होता है, डिजाइन क्या करते हो आप, डिजाइन में क्या करते हो, पहली सारी चीजें जो है पहले से तय करते हो, है ना। तो तयबद्ध प्रक्रिया, बिल्कुल तय की गई प्रक्रिया के तहत उसने नेतृत्व तो नहीं पाया था बल्कि संयोगवश पाया था। तो अब आपको ऐसे लिखना है, तो आप एक्सीडेंटली, नॉट बाय डिजाइन, डिजाइन करके नहीं पाया था बल्कि सिंपली एक एक्सीडेंटली मिला था उन्हें एक सही नेतृत्व, ठीक है ना। दो, यद्यपि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज, मतलब कहने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हैज उसके पास सिंस बिकम एन इंस्टीट्यूशन, सिंस माने ये टाइम एडवर्ब दिया है ना यहाँ पर, जैसे कि होता है आपका सिंस फॉर यूज किया जाता है वैसे, है ना, सिंस फॉर किसी टाइम पर्टिकुलर के लिए, तो वैसे ही कह रहे हैं यहाँ पर कि द ई सी आई, जो ई सी आई है, सिंस कब से, बिकम एन इंस्टीट्यूशन, जब से ये संस्थान बना, ऑफ सम अथॉरिटी, कुछ अधिकार रखने वाला, जब से ये कुछ अधिकार रखने वाला एक संस्थान बना तब से देयर हैव बीन कंट्रोवर्सीज, यहाँ पर एक के बाद एक विरोधाभास रहे हैं ओवर, किस मुद्दे को लेकर के, अपॉइंटमेंट ऑफ ईसीज, इलेक्शन कमीशन के, मतलब कहने का इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति को लेकर के, और एलिगेशंस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टीशनशिप, पार्टीशनशिप होता है वन साइडेड शिप, वन साइड मतलब एक पक्ष को लेकर के आरोप लगाए गए हैं एक के बाद एक, मतलब कि इलेक्शन कमीशन उस पार्टी का, सत्ताधारी पार्टी का ज़्यादा फेवर ले रहा है, इस प्रकार के आरोप लगे हैं, ठीक है। एक तो इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट पर आरोप लगते थे, इस पर विरोधाभास होते थे, और साथ साथ एक पक्षीय
आरोप लगाए कर जाते थे एंड और न्यू प्रॉब्लम्स और नई समस्याएं भी क्रिएट होती थी सच एज ऑफ किस प्रकार की सच एज ऑफ वोटर ब्राइबरी मतलब कहने का वोट के लिए घूस देना एंड पेड न्यूज़ पैसा दे करके फर्जी न्यूज़ चला देना इस प्रकार की विच जिन्हें कि द न्यू ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हैज़ नॉट बीन एबल नहीं सक्षम हो पाया है टू एड्रेस माने सुलझाने में सो फार माने अब तक। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब से अथॉरिटी के रूप में इस बॉडी का निर्माण हुआ तब से विभिन्न प्रकार की अपॉइंटमेंट्स पर कंट्रोवर्सी चलती रही अलग अलग वन साइडेड एलिगेशंस चलते रहे और नई नई प्रॉब्लम्स भी आती रही घूस को लेकर के पेड न्यूज़ को लेकर के लेकिन और ये सारी ऐसी समस्याएँ थी जिनको कि इलेक्शन कमीशन आज तक सो फार माने अभी तक नहीं सुलझा पाया है अभी तक संबोधित एड्रेस नहीं कर पाया है संबोधित नहीं कर पाया है। एज हिस्ट्री शोज जैसा कि इतिहास दिखाता है इनएडिक्वेट जैसा कि इतिहास से पता लगता है इसीलिए इन्होंने हिस्ट्री बताई जो रश्मि शर्मा जी हैं इन्होंने इसलिए पहले बताया है कि सारी चीज़ें बता दी कि एज हिस्ट्री सो जैसा कि हमारा इतिहास दिखाता है इनएडिक्वेट लीडरशिप नॉट इनफ मतलब कहने का अपर्याप्त नेतृत्व तो अगर है ना इज द बेन बेन माने होता है अभिशाप। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा बून बून माने होता है वरदान बून का अपोजिट जो होता है बेन होता है यानी अभिशाप कर्ज कह सकते हो आप इसे ठीक है। अपर्याप्त नेतृत्व इज द बैन बैन माने होता है क्या ये एक श्राप है ऑफ आवर पब्लिक इंस्टीट्यूशन हमारे मतलब कहने का जन संस्थानों पर ठीक है। सेफ गार्ड्स टू इंश्योर द इथिकल एंड कैपेबल पीपल हेड देम मतलब कहने का सुरक्षा टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए दैट इथिकल इस प्रकार की इथिकल माने हो क्या होता है कि मोरली एक्सेप्टेबल मतलब कहने का नैतिक रूप से सही एंड कैपेबल पीपल मतलब कहने का क्षमता योग्य समर्थ लोगों को चुनना कैसे समर्थ लोग हेड देम जो कि ऐसे संस्थानों की क्या करते हैं हेड माने अध्यक्षता करते हैं आर क्रूशियल ये महत्वपूर्ण है मतलब कहने का ऐसे संस्थानों की अध्यक्षता करने वाले समर्थ और मोरली करेक्ट लोगों को लोग ही हों इस बात को सुनिश्चित मतलब कहने इसके लिए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो सेफगार्ड हैं सेफगार्ड्स माने लॉ हैं कानून हैं सुरक्षाएं हैं ये इन सब ये सारी चीज़ें क्या हैं आर क्रूशियल बहुत ही महत्वपूर्ण है ठीक है। इस शानदार आर्टिकल को लिखा है रश्मि शर्मा जी ने और ये कौन है एक फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं ठीक है पूर्व IAS अधिकारी हैं ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ वर्ड्स जो इसी आर्टिकल से लिए गए हैं। अ ग्रेट डील ऑफ या गुड डील ऑफ समथिंग का मतलब होता है अलॉट या फिर मच ठीक है ना काफ़ी मात्रा में तो जैसे कि एग्जांपल आप देख लेंगे दे स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ मनी उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया ठीक है। तो आप ग्रेट डील ऑफ यहाँ पे गुड डील भी कर सकता है तो अब आपके पास प्रॉब्लम ये आ सकती है मतलब कहने का सॉल्व करने को कि जैसे ग्रेट डील ऑफ कर दिया और गुड डील कर दिया अब ये क्या करेगा कि ग्रेट की जगह फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा ठीक है अ ग्रेट डील ऑफ अब चार ऑप्शन दे देगा और ग्रेट के ही सारे साइनोनिम डाल देगा मतलब ऐसे ग्रेट डाल दिया एक प्रोमिनेंट डाल दिया एक इमिनेंट डाल दिया और भी जो महान के जो भी साइनोनिम हो सकते हैं वो सारे डाल देगा। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ग्रेट डील ऑफ और मतलब कहने का गुड डील ऑफ ग्रेट और गुड के अलावा कोई वर्ड यहाँ नहीं भरा जाएगा क्यों क्योंकि ट्रेडिशन होता है ये पर्टिकुलर फ्रेज ही एक तरह से जिसमें कि ग्रेट या गुड के अलावा आप कुछ नहीं यूज़ कर सकते तो यही दोनों ऑप्शन बनेंगे आपके है ना। और भले ही इसके कितने अच्छे अच्छे साइनोनिम बैठे हों लेकिन ऑप्शन ग्रेट या गुड ही बनेगा ठीक है। इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है आपके ग्रेट आप पढ़ ही चुके हो आर्टिकल में और गुड भी आपको पता लग गया ठीक है ग्रेट डील ऑफ या गुड डील ऑफ ठीक है। और मीनिंग क्या होता है अलॉट या मच। फॉरसाइट होता है फॉरसाइट में स्पेलिंग देख लेना FOR के बाद ई होता है ये ठीक है। फॉरसाइट द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट व्हाट इज लाइकली टू हैपन जो चीज़ होने वाली है जो कि संभावना है होने की उस चीज़ को प्रेडिक्ट करना उसका पहले से अंदेशा लगाने की जो योग्यता है उसे कहते हैं दूरदर्शिता ठीक है। द गवर्नमेंट्स पॉलिसी शो अ रिमार्केबल लैक ऑफ फॉरसाइट जो सरकारी नीतियाँ हैं वो दिखाती हैं रिमार्केबल बड़ी मात्रा में लैक ऑफ फॉरसाइट माने दूरदर्शिता का अभाव सरकारी नीतियों में बड़ी मात्रा में दूरदर्शिता का अभाव झलकता है दिखाई देता है ठीक है। वैरी होता है एक्चुअल जब एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है ठीक है। एडजेक्टिव के फॉर्म में भी कई मीनिंग है लेकिन पर्टिकुलर एक मीनिंग में लिखा तो आ रहे हैं यहाँ पे जो कि इस आर्टिकल में यूज़ हुआ है एक्चुअल जैसे यहाँ पर क्या आप जैसे दैट्स द वेरी थिंग आई नीड दैट्स द एक्चुअल थिंग आई नीड यही वो असली चीज़ है जिसकी मुझे आवश्यकता है ठीक है ना। तो इस तरह से एक्चुअल वर्ड वेरी के लिए मतलब वेरी का मीनिंग यहाँ पर एक्चुअल यूज़ होता है ठीक है। एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है ये एडवर्ब की तरह वेरी जो है डिग्री ऑफ एडवर्ब मतलब एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है वो वेरी ठीक है। सबवर्ट समथिंग मतलब होता है टू अंडरमाइन समथिंग नज़रअंदाज करना अपमान करना इस तरह से जैसे द फिल्म सबवर्ट्स नोशन ऑफ मेल एंड फीमेल आइडेंटिटी पुरुष और महिला की पहचान के जो विचार हैं
उनको ये जो फिल्म है ये क्या करती है, अंडरमाइन करती है, महत्व को उनके कम करती है, ठीक है। जंक्चर क्या होता है, अ पर्टिकुलर पॉइंट और स्टेज इन एन एक्टिविटी, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की में एक विशेष स्थिति, विशेष दशा, उसे हम कहते हैं जंक्चर, ठीक है, मोमेंट कह सकते हो आप। पार्टीसन एडजेक्टिव की फॉर्म में होता है तो इसका मतलब क्या होता है, वन साइडेड, एक पक्षीय, है ना। जैसे मोस्ट न्यूज़पेपर्स आर पॉलिटिकली पार्टीसन, राजनीतिक रूप से एक पक्षीय होते हैं ज़्यादातर अखबार। तो यहाँ पर पॉलिटिकली क्या है, एडवर्ब है, और पार्टीशन यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब देख रहे हैं पार्टीशन जब नाउन के फॉर्म में हो तो इसका मीनिंग क्या होता है, अ पर्सन हु स्ट्रांगली सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर लीडर, यही होता है, एक पक्षीय व्यक्ति वो पार्टीशन कहलाएगा, जो पर्टिकुलर लीडर को, पर्टिकुलर पार्टी को, पर्टिकुलर चीज़ को ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट करता है उसे कहते हैं पार्टीशन। ये नाउन के फॉर्म में होता है और ये जो पार्टीशन है ये एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है। तो अब आपको यहाँ एडजेक्टिव भरना था, नाउन नहीं भरना था, कैसे पता लगेगा, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कोई आदमी तो होता नहीं है जो सपोर्ट करेगा, है ना। तो ये पर्टिकुलर क्या है, इसी के कॉम्प्लीमेंट के रूप में एक एडजेक्टिव यहाँ भरना था, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव इसीलिए यहाँ पे आया है। तो मोस्ट न्यूज़पेपर्स आर पॉलिटिकली पार्टीसन, जब ये एडजेक्टिव के रूप में आया, ये एक न्यूज़पेपर की विशेषता बता रहा है कि न्यूज़पेपर कैसा है, एक पक्षीय है, तो जब ये विशेषता बता रहा है इसीलिए यहाँ पे पॉलिटिकली आया। नहीं तो आप इससे भी कन्फ्यूज सकते थे कि यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टीसन अगर नाउन हो जाता तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव भरना होता, तो मोस्ट न्यूज़पेपर्स आर पॉलिटिकल पार्टीसन, तो ऐसा नहीं हो जाएगा, पॉलिटिकली पार्टीसन मतलब राजनीतिक रूप से क्या, एक पक्षीय होते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ एडजेक्टिव के रूप में यहाँ चूज़ करना था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, ऑटोनॉमी होता है स्वायत्तता, इंडिपेंडेंस या फ्रीडम, आज़ादी कह सकते हो आप, है ना। ऑटोनॉमी को मतलब कहने का जो आप चाहो कर सको, है ना, किसी के बंदिश में ना रहो। सब्जेक्ट एडजेक्टिव है जैसे, तो सब्जेक्ट टू समथिंग, किस चीज़ का विषय है, लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय समथिंग, किसी चीज़ से प्रभावित होना, होने की संभावना, सब्जेक्ट टू समथिंग होता है, ठीक है ना। तो मैनिपुलेट समथिंग का मतलब होता है टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस समबडी, किसी को प्रभावित करना या फिर सिंपली नियंत्रित करना, ऑफन इन ए डिसऑनेस्ट वे, कोई गलत तरीके से, उसे कहते हैं मैनिपुलेट करना। जैसे एज ए पॉलिटिशियन, एक राजनीतिक के रूप में, ही नोज, वो जानता है हाउ टू मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन, राजनीतिक मतलब जनता के विचारों को किस प्रकार से कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है, प्रभावित करना है, वो इसका एक तरीका जानता है, क्योंकि वो राजनीतिक के रूप में है ना। प्रेसिएंटली का मतलब होता है नोइंग अबाउट थिंग बिफोर दे हैपन, उनके किसी चीज़ को घटित होने के पहले ही उसकी जानकारी कर लेना, ये होता है प्रेसिएंटली, सूझबूझ तरीके से, है ना। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एग्रीमेंट ऑफिशियली वैलिड बाय वोटिंग फॉर इट, किसी एग्रीमेंट को, कोई समझौते को वैलिड बनाना उस पर वोट दे करके, मतलब पुष्टि करना सिंपली, है ना। रेटिफिकेशन माने पुष्टि करना। प्लायबल, ये तो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है आपका, ये भी आ चुका है आपका, ठीक है। प्लायबल का मतलब होता है फ्लैक्सीबल, फ्लैक्सीबल के सेंस में भी आ चुका है, इंप्रेशनेबल के सेंस में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ चुका है। ईजी टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, जिसे आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके, उसे कहते हैं इंप्रेशनेबल, है ना। जैसे स्टूडेंट एज क्या होती है, बड़ी ही इंप्रेशनेबल होती है, या फिर कह सकते हो आपकी जो मतलब कहने का जो आपका चाइल्ड हुड होता है, बचपन होता है, इंप्रेशनेबल होता है। क्यों होता है इंप्रेशनेबल, उस समय आपके ऊपर हर चीज़ का बहुत तेज़ी से प्रभाव पड़ता है ना। आसानी से आप किसी चीज़ से मोहित हो जाते हो, किसी भी चीज़ पे अट्रैक्टिव हो जाते हो, है ना। तो ये जो होती है इंप्रेशनेबल एज होती है, उसमें आपका आसानी से किसी भी चीज़ की ओर आप अट्रैक्टिव हो जाते हो, अट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है। तो प्लायबल माने व्यवहारिक, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का सेंस इस तरह कि किसी चीज़ को मोड़ दो तो टूटे ना, है ना, इस सेंस में भी होता है। फ्लाउट समथिंग, ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में, फ्लाउट का माना होता है उल्लंघन करना, टू शो दैट यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर समथिंग, ये दिखाना कि आपकी किसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, अपमान करना, फ्लाउट करना, उल्लंघन करना, ये मीनिंग होता है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ वर्ड्स जान लेते हैं। इरेंट एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करना, नॉट बिहेविंग इन एन एक्सेप्टेबल वे, और उचित तरीके से, स्वीकार रूप में बिहेव ना करना, गलत तरीके से बिहेव करना, ये होता है इरेंट, ठीक है। जैसे इरेंट ऑफिशियल मतलब कहने का गलत काम करने वाला अधिकारी, ठीक है। और इथिकल मतलब क्या क्या होता है, एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज़ हुआ है यहाँ पे, मोरली करेक्ट और एक्सेप्टेबल, मतलब कहने का नैतिक रूप से सही और स्वीकार, उसे कहते हैं इथिकल, ठीक है। इज इट इथिकल, क्या ये उचित है टू प्रमोट सिगरेट्स, कि सिगरेट को प्रमोट किया जाए थ्रू एडवर्टाइजिंग, माने विज्ञापन के द्वारा, क्या विज्ञापन के द्वारा सिगरेट को प्रमोट करना उचित है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो सिगरेट की स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे तो ये थे कुछ वर्ड्स, आई होप आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।